मैं डीआरडीओ टाउनशिप में रहती हूँ। अभी कल ही मैं अपने बच्चे के साथ इसको ट्यूशन से वापस लेकर आ रही थी और इतने में ही 5-6 कुत्ते मेरे पीछे भी पड़ गए और उनसे बचना बिल्कुल मुश्किल सा हो गया था। अब हमें ये देखना है कि अगर हम बड़े ही सेफ नहीं है तो बच्चों को हम कहाँ तक सुरक्षित रखें, उनको कहाँ तक उनको बाहर खेलने से मना करें, उनको कब तक अंदर घर में बंद करके रखें। अगर टाउनशिप में ऐसे आवारा कुत्ते ही खेलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ उनका भविष्य सुरक्षित है। उनको खेलने के लिए थोड़ी सी जगह दी जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, यही हमें चाहिए। बस किसी तरह हमें एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं डीआरडीओ टाउनशिप में सी टाइप क्वार्टर्स में रहता हूँ। मेरे बच्चे का ये 3 इयर्स है अथर्व वर्मा, उसे आज 430 कुत्ते ने काटा है। एक दो कुत्ते नहीं, 5 कुत्ते ने एक साथ काटा है। और ये घटना आज नहीं, हमेशा होते आ रहा है। और हमने ईएमयू को कंप्लेन भी दिया, ईएमयू इस पर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन लेते भी हैं तो किसी को प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते। इसके लिए हम लोग जीएचएमसी से बात की है, एनिमल को पकड़ने वाले आए, लेकिन वो कहते हैं कि हम शाम में नहीं आ सकते हैं। लेकिन जब कुत्ते काटते हैं तो शाम में भी आते हैं। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इवनिंग में आप आइए, जो भी खर्च होंगे हम लोग उसको पे करेंगे। लेकिन उसके लिए बोलते हैं काउंसलर कि नहीं, रात में हमारे स्टाफ काम नहीं कर सकते हैं। रिसेंटली कंटिन्यू 3 to 4 डेज मैं देख रहा हूँ, ये बच्चा कराटिक से आ रहा था, इसकी फैमिली को चारों ओर से कुत्ते ने घेर लिया। अब क्या करेगा, ये भी कुछ करती नहीं है। बाहर से जानवर को खिलाने के लिए, कुत्ते को खिलाने के लिए मांस लाते हैं, मॉर्निंग ऑफ 3 o'clock आते हैं, कुत्ते को खिला के जाते हैं, वो भी पूरे कच्चे मांस खाते हैं। कुत्ते पागल हो जाते हैं, किसी न किसी को रोज काट रहे हैं। ये आज के लिए नहीं, एक कुत्ते कोई पाले हुए नहीं है, बस उसको खाना खिलाते रहते हैं, बोलते हैं मेरा कुत्ता है, लेकिन उसका कोई गार्जियन नहीं है, कोई इसके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ है। कितने डॉग्स हैं वहाँ पे अभी? एटलीस्ट तो टाउनशिप में 100 डॉग्स प्लस होंगे, 100+ डॉग्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो डॉग्स हैं, जब पकड़ने वाले आते हैं तो डॉग्स इधर उधर भाग जाते हैं। डे में वो करते हैं, कभी से हम नाइट में आया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी बच्चे की क्या कंडीशन बता रहे हैं? बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब है, आप फोटो देख सकते हैं, बहुत डीप इंजरी है। अब देखिए, ये तो हाफ दिख रहा है, उसके एक साइड कान में को हेड में पूरे और उन्होंने काट लिया है। अब बच्चा है, 3 साल का बच्चा क्या करेगा, रोएगा क्या करेगा, समझ में नहीं आता है। और जब हम इसके लिए कंप्लेन डालते हैं तो ऊपर से कॉल आता है मेनका गांधी का, जो इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर मेनका गांधी को इतना ही शौक है तो एक दिन कुत्ते के साथ रह जाए, पता चल जाए क्या होता है। उनके तो बच्चे हैं नहीं छोटे, तो उनको कुत्ते का प्रॉब्लम है, एटलीस्ट उनको आके देखना चाहिए। जब भी यहाँ कंप्लेन होता है, मेनका गांधी को कॉल आता है, सर्किल इंस्पेक्टर को, कोई एक्शन नहीं लो इनके खिलाफ। अरे क्या करना, क्या है, कुत्ते को रखना है कि आदमी को रखना है? मेनका गांधी कहाँ रहते हैं? मेनका गांधी तो दिल्ली में रहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने आलिशान बंगले में है। लेकिन यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब हैं, क्वार्टर में सेफ्टी के लिए रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है बच्चे के नाम पे। बाहर में हम हाफ पेमेंट पे रख सकते हैं, हाफ एच आर एड दे के रख सकते हैं, लेकिन हम सेफ्टी के लिए आते हैं। हमने इसकी शिकायत ईएमयू को भी की है, अपने मैनेजमेंट को भी की है, और यही सेम थिंग।